हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली का एरर आपने कैसे फिक्स करना है। इसके साथ साथ ये एरर कोड भी देता है 0x C4x07B। तो ये एरर दोस्तों बेसिकली कब आता है आपके सिस्टम में, जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं या फिर आप कोई गेम का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसको ऑन नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये एरर आ जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बेसिक टू एडवांस मेथड बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग कमांड्स। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे मैं आपको प्राइमरी मेथड्स बताता हूँ। जो भी एप्लीकेशन दोस्तों आप यूज कर रहे होंगे, इस पर जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है इस तरीके से, और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। कई बार हमें प्रिविलेज नहीं होती है किसी एप्लीकेशन को ऑन करने की, तो एज एडमिन आप ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। अगर इस स्टेप को भी फॉलो करने के बाद आपका एरर सॉल्व नहीं होता दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, तो सर्च बार में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाना हमने सीधा, और यहाँ से जो ये व्यू बाय का आइकन से यहाँ पर लार्ज कैटेगरी कर लेना हमने। उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है इस तरीके से। उसके बाद लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन है दोस्तों, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, उसको क्लिक करना है। और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अपन नेट फ्रेम 3.5, इसको टिक कर लेना। इस तरीके से टिक होना चाहिए, नीचे वाला ये वाला भी 4.8, और ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये वाला ऑप्शन चूज करना हमने, इसका ड्राइवर जो है अपडेट हो रहा है, लेट विंडो अपडेट डाउनलोड फाइल्स फॉर यू। इस तरीके से थोड़ा सा वेट करना है आपको। ये ऑटोमेटिक यहाँ से ही आपके सिस्टम के लिए सुइटेबल ड्राइवर और फाइल्स अपडेट कर देगा। उसके बाद ये मैसेज आएगा आपके पास, अप्लाइंग चेंजेस, इसको भी आपने कंप्लीट होने देना है। यहाँ से भी क्लोज करना है। अगर इस स्टेप को भी फॉलो करने के बाद आपका एरर नहीं सॉल्व होता है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पर दोस्तों हमने जाना है CMD के थ्रू, हमने क्लिक करना है इसको और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। यहाँ पर हमने कुछ कमांड्स चलानी है, बेसिक कमांड्स है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है। SFC /scan now, या आपकी जितने भी करप्टेड फाइल्स होगा उसको स्कैन करेगा यहाँ पर, और जो भी एरर आपके सिस्टम में होगा ये शो करेगा आपको। तो आपको इसको 100% तक होने देना है। इस तरीके से इसका प्रोग्राम चलेगा ये। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको जो दूसरी कमांड है वो भी बताने वाला हूँ। तो उसके जरिए आप जो जितने भी करप्टेड फाइल्स होंगी उसको रिप्लेस करके दूसरी अच्छी फाइल्स बनाए गए। अब ये 100% तक हो चुका है। इस तरीके से विंडो रिसोर्सेज प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रेशन वायलेशन, आपके सिस्टम में एरर दिखा रहा होगा दोस्तों अगर ये फाइल करप्टेड है। दूसरी कमांड ये है Dismiss space online space, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। ये भी 100% तक जाएगा इस तरीके से। इस कमांड से बेसिकली क्या होगा दोस्तों, जो भी आपके करप्टेड फाइल्स होंगे सिस्टम में उनको रिप्लेस करके और उनकी जगह पर आपको अच्छी फाइल्स प्रोवाइड करेगा। इसको भी आपने 100% तक होने देना है। थोड़ा सा टाइम लगाते हैं आपको, तब तक वेट करना है। एंड देन उसके बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है, आपका एरर चला जाएगा। अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों आपका एरर सॉल्व नहीं होता, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपको दिस PC में जाना है। उसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है, क्योंकि इसी में इंस्टॉल करी रहती है विंडोज। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है विंडोज में, ये वाला ऑप्शन डबल क्लिक करना आपको। उसके बाद सिस्टम 32 ऐसा प्रेस कर सकते हैं, जैसा ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ से दोस्तों हमने फाइल ढूंढनी है। अब यहाँ से सर्च बार करना दोस्तों आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये फाइल, आपको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको डायरेक्टली सर्च करना है ये वाले फाइल X input 1 hyphen, इसको राइट क्लिक करना हमने और डिलीट कर देना है इस फाइल को यहाँ से।
और फिर आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम सिसपॉक 64 पर आना, आपको इसको भी डबल क्लिक करना है और यहाँ भी आपको सेम फाइल सर्च करनी है और उसको भी राइट क्लिक करके डिलीट करना है। आपको ये देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक करना है और इसको डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट कर देना आपको। अब डिलीट करने के बाद दोस्तों हमने एग्जिट करना है और हम इसके लिए ड्राइवर ढूंढेंगे। अब तो आपको अपने ब्राउजर पर जाना है, गूगल पे, अब यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार में लिखना है डायरेक्ट टैक्स, आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर जाना आपको ये वाला ऑप्शन, इस तरीके से विंडो खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, हम इंग्लिश चूज करेंगे यहाँ से और डाउनलोड कर लेना दोस्तों आपको इसको सिंपली। इसका सेटअप डाउनलोड हो रहा है, इसको आपने डबल क्लिक करके रन कर देना है, एक्सेप्ट करना है ये वाला ऑप्शन, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। उसके बाद ये अनटिक करना है, इंस्टॉल द बिंग बार, इसको अनटिक करना है हमने, नेक्स्ट करना है। हमारे सिस्टम में कई बार दोस्तों ये एप्लीकेशन नहीं होती है और होती भी है तो अपडेटेड नहीं होती है, फिनिश कर लेना, उसकी वजह से भी एरर आता है और फिनिश करने के बाद दोस्तों आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। अगर इस सिस्टम को भी फॉलो करने के बाद आपका एरर सॉल्व नहीं होता तो आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाना है फिर से, उसके बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है। अब यहाँ से जिस एप्लीकेशन में आपको दिक्कत आ रही हो उसको अनइंस्टॉल कर देना आपको इस तरीके से, और उसको फिर दोबारा से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कई बार फाइल्स पूरी नहीं बन रही होती है और आपको दोस्तों इंस्टॉल करने से पहले जो विंडो डिफेंडर है उसको ऑफ कर देना है। जब आप एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे उससे पहले ये जो विंडो डिफेंडर है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है इसके लिए, ये मैंने सेटिंग में, और यहाँ से ये ऑन, ये ऑफ कर देना है यहाँ से इस तरीके से। कई फाइल्स ये यहाँ पर ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से ये सिस्टम नहीं चलता, आपका एप्लीकेशन नहीं चलती है। अगर इस सिस्टम इस तरीके से जाना फिर आपको, अगर इस सिस्टम को भी फॉलो करने के बाद दोस्तों आपका एरर सॉल्व नहीं होता, मेरे लिए आपके लिए फिर लास्ट फिक्स है। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है, सेटिंग में जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी, यहाँ से उसके बाद रिकवरी ऑप्शन आएगा आपके पास, उसके बाद ये आएगा आपके पास गेट स्टार्टेड रीसेट दिस पीसी, यहाँ से ये चूज कर सकते हैं आप। मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है दोस्तों कैसे आपको रीसेट करना है, आप वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल है। तो इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपका एरर जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रीसेट हो जाएगी पूरी पीसी। उम्मीद है दोस्तों आपका एरर सॉल्व हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।